आप सबको स्वागत है। बच्चों, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए। पानी के स्रोत यानी कि पानी हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं आपको पता है ना? नदी से प्राप्त होती है, हमको बारिश से वर्षा से पानी मिलते हैं। वर्षा के पानी जंगलों से और पहाड़ों से बहते हुए नदी में इकट्ठा होते हैं। जमीन के अंदर से मिलने वाला जल भूमिगत जल है। कुएं से और हैंडपंप से मिलने वाला जल भूमिगत जल है। समुद्र का पानी नमकीन होता है, ये इस्तेमाल करने का लायक नहीं होता है। बच्चों, हम बारिश होने से पहले आसमान में क्या देखते हैं? बादलों को देखते हैं। बादल छाए हुए रहते हैं, बाद में क्या होते हैं? बारिश होते हैं। बादलों से गिरते समय एक बूंद क्या सोचती हुई नीचे गिरती है और कहाँ जाकर वो गिरती है, उसके बारे में एक पद्य है। पद्य पाठ 13, एक बूंद, बूंद का मतलब ड्रॉप। इस कविता को लिखने वाले कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि ओद जी। अब कवि परिचय पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। ये हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और इन्हें विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। इनके द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास हिंदी कड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इनकी मृत्यु मार्च 1947 में हुई। हरि ओद जी एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में आशावादी रहकर जीवन बिताना चाहिए, ऐसे इस कविता के माध्यम से हमको संदेशा दे रहे हैं। और अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे कर्म करने का प्रेरणा दी है। पद्य पाठ 13, एक बूंद जो निकल कर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। इस पंक्तियों का भावार्थ, जैसे ही एक बूंद बादलों की गोद से धरती की ओर आगे बढ़ती है, तब वो सोचती है, बार बार सोचती है, फिर वो मन में सोचती है, आह क्यों मैं घर छोड़कर यूं खड़ी। खड़ी का मतलब है निकलना। कविता के आगे का पंक्तियां, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में। इस पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है, बूंद सोच रही है, देव ईश्वर मेरे भाग्य में नसीब में क्या लिखा है पता नहीं है, मैं बचूंगी या धूल में मिट्टी में मिल जाऊंगी, आगे बढ़कर ऐसे सोच रही है, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, मैं किसी अंगारे पर
अंगारे का मतलब अग्नि पर गिरूंगी, क्यों पहुंचूंगी या कमल के फूल में, कमल के फूल में गिरूंगी, पता नहीं है मेरे भाग्य में क्या लिखा है। पद्य का आगे के पंक्तियां, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। इस पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, ए बूंद सोच रही थी मेरा किस्मत में नसीब में क्या लिखा है, ऐसे सोचते समय हवा का झोंका बह गई, तब उस समय उस झोंके के साथ वो समुंदर की और अनमनी बहती गई। अनमनी का मतलब बिना मन के, बूंद हवा के झोंकों के साथ ऐसे ही समुंदर की ओर जाती है, तब एक सुंदर सीप समुंदर के पास किनारे था, वो मुंह खुला हुआ था, तब ये बूंद जाकर खुली सीप में जाकर गिरती है, वो पड़ने के बाद एक अनमोल मोती बनती है। आगे की पंक्तियां, लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको जोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का जोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इस पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है, लोग यूं ही झिझकते हैं सोचते, जब कि उनको छोड़ना पड़ता है घर, घर छोड़ने के बाद वो भी ऐसे ही बूंद की जैसे सोचते हैं, हम हमारे कार्य में सफल होंगे या ना होंगे, हम कामयाब होंगे या ना होंगे, हमारा जो मंजिल है, मकसद है, उस मंजिल तक, मकसद तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं, ऐसे सोचते हुए वो डरते रहते हैं, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औद जी बूंद के उदाहरण से कहते हैं, एक दिन बूंद की तरह उनका भी भाग्य बदल जाता है, सफलता पा सकते हैं।